नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एमटीएस का आपका रिवाइज रिजल्ट आया और रिवाइज आंसर की आई है, इसमें आपके 9551 बच्चे और क्वालिफाई किए गए हैं इस रिजल्ट में, और आपके रिवाइज जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी उन सब के बारे में। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर एग्ज़ाम की अपडेट दी जाती है। चलिए तो अब वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। जिससे EWS की कट ऑफ ज़्यादा हुई थी उसने माना भी है यहाँ पर, उसने किस वजह से जो सेकंड लिस्ट निकाले रिजल्ट की उसके कारण दो बताएं, दो गलतियाँ की थी SSC ने। एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट थे उनको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में ना रख के उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया था और इन्हें एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह मेंशन किया गया था। तो अब उन्हें एक्स कैटेगरी में रखा गया, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रखा गया, जिससे कि उन्हें अपने उसका फ़ायदा मिलेगा रिजर्वेशन का। पहले रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का नहीं मिला था। और दूसरी जो है EWS के कैंडिडेट थे जिनके नंबर EWS में कैंडिडेट थे इनके जनरल से ज़्यादा थे, मतलब जनरल से ज़्यादा थे, तो उनको भी उसने EWS में रख दिया था गया था, जबकि उनको रखना था इसको अनरिजर्व में, यानी कि जनरल में उन्हें फाइट करना था, उन्हें भी EWS में कंसिडर किया गया था। इस वजह से EWS की कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो इस पर बहुत लोगों ने शिकायत भी की थी कि EWS की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा सकती है। ये सही भी बात है, जब रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन की कभी भी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो ये दो कारण थे, इस वजह से 9551 लोगों को अतिरिक्त मौका मिला है। तो आप अपना रिजल्ट इसका कैसे चेक कर सकते हैं, रिजल्ट पर मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले जो प्रीवियस वाली, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस वही है गूगल पे जाने का, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वैसे ही आप उस पर वैसे ही जाना है, वैसे ही डाउनलोड करनी है, और मैं इसकी कट ऑफ आपके लिए बता दे रहा हूँ, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं। और हाँ, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो रहेगा ऐसे, और आपका जो लेटर लिखने को आएगा उसके बारे में, तो वो आपका 24 तारीख को, यहाँ अभी मैंने जहाँ पे हाईलाइट किया था यहाँ आप देख सकते हैं 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम है इसी महीने में। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपनी, और इसके ऊपर जो टॉपिक हैं मैं ऐसे के बता दूंगा जल्दी ही, कल या परसों में उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कट ऑफ हम देख लेते हैं नीचे, बहुत जल्दी जल्दी देखना है आपको, वीडियो आप रोक कर देख सकते हैं आपकी कट ऑफ क्या है। सबसे पहले CR रीजन में बिहार की आप देख लीजिए, EWS की कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा थी, अब आ गई है आपकी 79.69569। अब यहाँ पर जनरल की कट ऑफ नीचे देख लीजिए, उसके बाद 82 है जनरल की, और आपकी OBC की यहाँ 81 है, और SC ST आपकी यह है, SC की 76 है, ST की 52 है। अब EWS की कट ऑफ जनरल से कम है, ऐसा ही होना चाहिए था। और यहाँ UP के देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की EWS की 72 है, और आपकी ST की इसकी 57 है, SC की 73 है, और आपकी OBC की 73 है, सॉरी SC की भी 73 है, OBC की भी 73 है। UP में SC की 73.27 गई है और OBC की 73.26 गई है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल की 75 गई है। तो ऐसे ही आपको अपनी सब कट ऑफ चेक करनी है, बाकी आप जिस राज्य से आप चेक कर सकते हैं, झारखंड की आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आगे वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आप सबकी पढ़ के नहीं बताऊंगा, उड़ीसा की आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, आगे आपका केरला और छत्तीसगढ़, केरला छत्तीसगढ़ वाले इसमें देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश, और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, नीचे लिंक दिया जाएगा, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी सूचना रहती है तो वहाँ पहुँचा दी जाती है। और Facebook इसका ग्रुप है जो, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कई क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं आसाम की, मेघालय की। ऐसे आप वीडियो रोक के दिल्ली के देख लीजिए, लास्ट में वीडियो रोक कर आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कितनी आई है। बाकी दिल्ली EWS की 70.45 गई है, और आपकी OBC की गई है इसकी 70.86, और आपकी इसकी जनरल की गई है वो 75.56 गई है। तो अब कट ऑफ घटी है, जो रिवाइज कट ऑफ है वो कम हुई है, इससे 9000 प्लस लोगों को मौका मिला है, वो भी अपना Tier 2 दे पाएंगे डिस्क्रिप्टिव। अच्छे से तैयारी कर लीजिए अब, और बहुत बच्चों को इसमें फ़ायदा हुआ है। अब अगर उनके नंबर डिस्क्रिप्टिव में अच्छे आ जाते हैं तो उनके भी चांस हैं फाइनल मेरिट में आने के। फाइनल मेरिट के ऊपर भी कट ऑफ के ऊपर बनेगा कि फाइनल मेरिट की कट ऑफ कितनी जा सकती है वीडियो, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के नंबर आएंगे उसके बाद ही, क्योंकि अभी पता नहीं कितने नंबर किसके बढ़ेंगे कितने नहीं, तो उसके बाद वो वीडियो बनेगी। आप इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई वीडियो आपसे ना छूटे। तो ये था हमारा आपका
एमटीएस का जो रिवाइज रिजल्ट आया था और रिवाइज आपकी कट ऑफ थी उसके बारे में वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।